अच्छे व्यक्ति को आने वाले 5 साल के लिए, किसी सच्चे को, किसी अच्छे को, अपने सुख दुख के साथी को आपने सेवक के रूप में चुनना है, ना कि कोई नेता बनाना है। नेता एक बार बनता है और सेवक बार बार बनता है, वो हमेशा सेवक रहता है। मैं आपसे निवेदन आग्रह करता हूँ कि जो भी उम्मीदवार आपके बीच में आए उनके विचार सुनो, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे उम्मीदवार देखे हैं जो भरी पंचायत में कहते हैं कि मैं तो मोहर लेने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को समाज के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है जो इस प्रकार की बातें समाज में रखते हैं। मैं कहता हूँ सेवा करने के लिए आए। मैंने उम्मीदवारों को दारू पे, पैसों पे बात करते हुए देखा है। मेरे युवा साथियों के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि बता बेटा क्या चाहिए, दारू चाहिए या पैसा चाहिए। ऐसे व्यक्ति को समाज से धुतकार देना चाहिए जो व्यक्ति इस प्रकार की बात समाज में करता है। मैं अपने युवा साथियों से मिलता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ युवा साथियों से कि बेटा कितनी पढ़ाई करी है, भाई कितनी पढ़ाई की है, आगे भविष्य क्या है, अपना एम क्या निर्धारित की हुई है। और इस प्रकार के उम्मीदवार आते हैं जो साथियों से पूछते हैं कि दारू चाहिए या पैसा चाहिए, मैं मेरी रूह कांप जाती है जब मैं इस प्रकार के उम्मीदवारों की बात सुनता हूँ। वो कहते हैं कि हमें पैसा पैसा और दारू से खरीदने की कोशिश करते हैं, हमारे समाज को कहीं ना कहीं गंदगी की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे उम्मीदवार हमारे बीच में आ रहे हैं। इस प्रकार के उम्मीदवार को आने वाले समय में 9 तारीख को आप लोगों को जवाब देना है, क्योंकि ये उम्मीदवार, मैं कहता हूँ कि आप लोगों के बीच के ही साथी आने वाले समय में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा, और वो उम्मीदवार आप लोगों को गंदगी की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये समय है जागरूक होने का, ऐसे उम्मीदवारों से बचने का जो इस प्रकार के लालच देते हैं। कच्चे लालच में कहीं ना कहीं हम आके ऐसी अपराध ना कर देना ताकि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र को इस बात से भुगतना पड़े। मैं कहता हूँ कि उन व्यक्तियों से जवाब हमें मांगना चाहिए जो हमारे बीच में आते हैं। अगर मैं आप लोगों के बीच खड़ा हूँ और आपने मेरे से सवाल किया और मैं आपको संतुष्ट करने में कामयाब नहीं हूँ, तो अभी तो 9 तारीख के बहुत दिन है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जिंदगी में, ये कहता हूँ आप लोगों से। मैंने ऐसे ऐसे उम्मीदवार देखे हैं जो कि मंच पे बैठे रहते हैं, गर्दन हिलाते रहते हैं और बात कोई और बोलता रहता है। जो समाज में बैठ के अपनी बात नहीं रख सकते उम्मीदवार, वो आने वाले समय में सदन में क्या बात रखेंगे हमारे समाज की और क्षेत्र की। उनको समाज से उनके सामने अगर पूछ लिया जाए उनसे जवाब, तो उनके पास जवाब नहीं होता है। वो आज के समय में हमारे समाज से जवाब नहीं दे सकते, तो क्षेत्र में क्या क्षेत्र की आवाज उठाएंगे और वो क्या क्षेत्र की जवाब देंगे। वो जातिवाद पे बात करता है, कोई पैसे पे बात करता है, कोई दारू की बात करता है। मैं कहता हूँ आपका बेटा, आपका भाई ना तो दारू पीता है और ना किसी को पीने की सलाह देता है कि आप दारू पियो। मैं कहता हूँ कि भविष्य के अपनी तरफ, भविष्य की तरफ देखो। और युवा साथियों को तो मेरी रूह कांप जाती है जब कोई युवा साथी भी कह देता है कि दारू पीनी है। मैं कहता हूँ कि ऐसी हरकत, अगर परिवार में रोजगार है, खुशहाल परिवार है, तो उससे बढ़ के कोई परिवार नहीं है, अगर परिवार सक्षम है तो। और वो युवाओं को 2 दिन के 4 दिन के लालच में हमें वो 2-4-10 हजार रुपए दे भी देगा तो हमारा गुजारा नहीं होने वाला, परंतु आने वाले 5 साल के लिए हम उससे नजर से नजर मिला के बात नहीं कर सकते। मैं आपका बेटा, आपका भाई हूँ, ना तो दारू दूंगा ना पैसे दूंगा। आपसे वादा करता हूँ कि आप मेरे कलर पकड़ के काम करा लेना, और आपने मुझे वोट दी है तो आपने मुझे उसी दिन पार्षद बना दिया जिस दिन आपने वोट दी है। मेरा नैतिक धर्म है आपका काम कराने का, और इस पावन धरा से मैं आपको वादा भी करता हूं कि आप बनना ना बनना परमात्मा के हाथ में है, परंतु आपने मुझे जिता के भेजा, आपका काम करना मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं आपका वादा करता हूं। किसी भी प्रकार का चाहे मेरे को किसी के हाथ जोड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, आप लोगों का काम करा के लाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आधी रात भी आ जाना, मेरा दरवाजा खटखटा लेना, आपका बेटा आपका भाई आपके लिए 24 घंटे तैयार रहेगा, किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देंगे। क्योंकि पीछे आने वाले समय में हमने देखा था कि उम्मीदवार चुनाव लड़ के चल गए, दोबारा नजर नहीं आए। मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे को पगड़ी बांधते रहते हैं और ये बात कहते रहते हैं कि बेटा चुनाव जीत रहा है, परंतु ऐसा मत करना जो हमारे साथ पीछे किया। मेरा मन भावुक उठता है तब मैं ये बात सुनता, तो मैं आप लोगों से विश्वास दिलाता हूं कि आपका बेटा आपका भाई 24 घंटे आप लोगों की सेवा में तैयार रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नजर नहीं आएगा, हमेशा आप लोगों के बीच रहेगा। मैं कल एक बुढ़ेड़ा में मैंने एक कार्यक्रम किया था, मेरे मीडिया पत्रकार बंधु भी मेरे साथ हैं, इन्होंने वो कवरेज की थी जिसमें कि मैं अपनी माताओं बहनों से बैठ के बात कर रहा था कि माताएं मेरे सामने कोई परेशानी है तो रखिए, आपका बेटा हूं, जो बहनें हैं उनका भाई हूं। परंतु शाम को जब वो वीडियो देखते हुए उम्मीदवार की घटना मेरे सामने आती है, वो कहता है कि मैं महिलाओं से बात नहीं करता। ऐसे तुच्छ व्यक्ति को समाज में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस माँ की कोख से जन्म लिया उसको वो कहता है कि मैं माताओं से बात करने, मैं महिलाओं से बात नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को समाज में लाना बहुत गंदगी का काम होगा जो व्यक्ति अपनी माताओं बहनों के बारे में ऐसे शब्द बोल सकता है, क्योंकि घर में बैठी जो मेरी माताएं बहनें हैं और यहाँ बैठी मेरी माताएं बहनें मेरे हर समान है, उनकी इज्जत मेरी इज्जत है, और वो व्यक्ति ऐसी बात करता है कि मैं से बात नहीं करता। वो क्या ऊपर से जन्म लिया है क्या, उसने ऊपर से टपका है कि किसी माँ की कोख से जन्मा है वो, और वो ऐसी बात करता है कि मैं महिलाओं से बात नहीं करता। मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति को जो समाज में कोई जातिवाद की बात करता है कि मैं इस जाति से आप इस जाति का संबंध हो, समाज में
भ्रम फैलाने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ आपका बेटा, आपका भाई, अगर आपको शिकायत मिलती है उसकी, तो आप लोगों की जुत्ती और मेरा सिर होगा, मेरे से पूछ जरूर लेना। किसी भ्रम में, किसी बहकावे में मत आना कि मनीष ऐसा कह रहा था, मनीष वैसा कह रहा था। मैं आप लोगों से वादा करके जा रहा हूँ कि मेरे मुंह से कभी भी आपको शब्द नहीं सुनने को मिलेगा कि मैंने किसी के बारे में कहा। ना मैंने आज तक कभी किसी के बारे में कहा है, और ना मैं कहूंगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मुझे इस गाँव से मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं ये आशा करता हूँ आप लोगों के बीच रहूंगा, आप लोगों का बेटा हूँ, आप लोगों का भाई हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप लोग इन लोगों से जरूर सावधान रहना जो दारू और पैसे की बात करती है। मेरी माताएं बहनें खड़ी है, अगर एक भी माता बहने हाथ उठा के कह दे कि दारू और पैसे से वोट मिल जाएगी, मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर एक माता बहने इस बात के लिए एग्री हो जाए, मेरे को पता है कि जब मैं कहीं गाँव में जाता हूँ तो मेरी माताएं बहने कहती है, मेरे को बुला के भी कह देती है कि बेटा सारे काम कर लेना, वोट तेरी होगी, पर ये दारू और ये पैसे का खेल मत करना, और ना मैं इस खेल में पढ़ना चाहता कि ये दारू और पैसे का खेल हो। तो आपसे निवेदन और आग्रह करता हूँ कि जो व्यक्ति समाज में इस प्रकार की हरकतें करते हैं, जो समाज को फाड़ने का काम करते हैं, जो माताओं बहनों की इज्जत नहीं रखते हैं, जो सिर्फ मोहर लेने के लिए चुनाव लड़ते हैं, जो जातिवाद की बात करते हैं, जो दारू की बात करते हैं, जो पैसे की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति को समाज में मत बैठने देना। मैं आपका बेटा, आपका भाई, एक रोजगार की बात करता हूँ, विकास की बात करता हूँ, शिक्षा की बात करता हूँ, चिकित्सा की बात करता हूँ कि क्षेत्र को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। मैंने पहले दिन लक्ष्य लिया था, जिस दिन चुनाव लड़ने की बात आई थी, कि आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच चुनाव लड़ेगा। गुड़गांव में ही नहीं, पूरे हरियाणा में गुरुग्राम को, इस वार्ड नंबर 4 को पूरे हरियाणा में नंबर 1 वार्ड बनाऊंगा। ये मैंने लक्ष्य लिया हुआ है, चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, कोई भी काम हो, रोजगार का मामला हो। आज से सबसे बड़ी समस्या रोजगार की हमारे यहाँ है, उन युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा, जो पढ़े लिखे युवा होकर भी घर पे बैठे रहते हैं। अब मेरा दिल दुखता है जब उन युवाओं को देखता हूँ जो इतना पढ़ लिखने के बाद भी अगर वो बेरोजगार रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जिन उम्मीदवारों को हमने चुन के भेजा है, जिस सरकार को हमने, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर उम्मीदवार उनका होता तो आज हम शायद ये सुनने को, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने पर विरोध किया था, मैं उनके लिए भी कह देता हूँ कि मैं आपका बेटा, आपका भाई, टिकट मिलने से पहले भी वही था, आज भी वही हूँ। परंतु अगर मैं निर्दलीय बन भी जाता, मैं आप लोगों से कहता कि अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं जी, प्रशासन में मेरी कोई सुन नहीं रहा है, तो आप लोग कहते हैं कि फिर तेरे को जरूरी था बनना पार्षद जब तेरी कोई सुनता ही नहीं है। तो आज के समय में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका पूरे संसार में बजता है, उनके नाम का डंका। ऐसी सरकार के पार्टी के टिकट लेके आना है, पार्टी एक एक चीज को देखती है, व्यक्ति के पिछले बैकग्राउंड से लेके और आगे तक के कार्य पार्टी नोट करती है, तब आप लोगों के बीच आपके बेटे और आपके भाई को मैदान में उठा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज आप लोग उस पार्टी के साथ जुड़े हो, आपका बेटा, आपका भाई नहीं, आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग जो, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी, वो आप लोगों के आशीर्वाद और आपसे, आपके मुख से निकले हुई एक एक शब्द मीडिया ने नोट किए थे, एक एक शब्द सर्वे ने नोट किया था, जिसके बाद मुझे ये आशीर्वाद और सहयोग भारतीय जनता पार्टी से मिला था। और जो पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं आप लोगों से निवेदन और आग्रह करता हूँ कि आपके बेटे, आपके भाई को यहाँ से आप चुन के भेजे, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास में खड़े उतरे। आने वाले समय में यही भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र को चंडीगढ़ बैठाने के काम करेगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। आप लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के विश्वास में खड़ा उतरना, मैं आप लोगों से निवेदन और आग्रह करता हूँ। कोई भी उम्मीदवार आपके बीच आए, उसके विचार जरूर सुने, किस प्रवृत्ति का इंसान है, उसके इतिहास उठा के देखे कि वो पीछे किस जिम्मेदारी पर आया और उसने क्या समाज के हित के लिए काम किए। क्योंकि चुनावी मेंढक है, मैं देख रहा हूँ चुनावी मेंढक है, कोई महीने पर पहले आया, कोई 20 दिन पहले आया, कोई सप्ताह पहले आया। मैं आपका बेटा, आपका भाई, मेरी माताएं बहनें भी खड़ी है, ऐसी होगी कई दिवाली से मैं लगातार आप लोगों के बीच आता रहा हूँ, एक घर परिवार से भी जुड़ता रहा हूँ, और मेरे वोट भी आपने देखे होंगे, मैं समाज के लिए काम करता आ रहा था, कोई चुनाव के लिए नहीं हूँ कि चुनावी मेंढक हूँ जो सिर्फ चुनाव के दौरान टपका हूँ। चुनाव के दौरान आएंगे, कोई पैसे से बात करेगा, कोई दारू से बात करेगा, आपका बेटा, आपका भाई ना तो पैसे से बात करता है, ना दारू से बात करता है, आपका बेटा, आपका भाई विकास के लिए बात करता है, शिक्षा के लिए बात करता है, चिकित्सा के लिए बात करता है, युवाओं के रोजगार के लिए बात करता है, और उनके भविष्य के लिए बात करते हैं कि अपना एम निर्धारित करे, जीवन में सक्सेस किस प्रकार से होना है ये निर्धारित करे, ना कि दारू और पैसे के बहकावे में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अंतिम क्षण में कहता हूं कि आपके बेटे, आपके भाई को आने वाली 9 तारीख को पहले नंबर का बटन, कमल का फूल निशान है, उसमें विजयी बनाए, आपके बेटे, आपके भाई को हाथ को मजबूत करे, आपका बेटा, आपका भाई आप लोगों के बीच 24 घंटे सेवा में तैयार रहेगा। जो मेरी माताएं बहनें खड़ी है, मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े,